रोहतास नगर वार्ड की बात करें तो रोहतास नगर विधानसभा में रोहतास नगर वार्ड ने एक नया ही इतिहास रच दिया है आम आदमी पार्टी के। हमारे बीच में राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये नया इतिहास रोहतास नगर विधानसभा में रोहतास नगर वार्ड में रचा गया है? आम आदमी पार्टी की जो सीट थी वो निकलनी थी, क्योंकि इस बार एक शिक्षित उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया था, युवा शिक्षित, और जिसके अंदर हमारे को लग रहा था कि ऐसे गुण हैं जो आगे काम करेंगे। मतलब शुरू आदमी का काम करने के हिसाब से उसके चुनाव लड़ने के ढंग से पता चल जाता है कि आगे काम करने वाला भी है, तो एक अच्छे उसका उम्मीदवार का चयन करा, इसलिए वो सीट निकलनी थी। शिवानी पांचाल की बात करें, जीत तो दर्ज करी मगर थोड़ा कम मार्जिन रहा। कम मार्जिन इसलिए रहा शिवानी पांचाल का कि जब शिवानी पांचाल को टिकट दिया गया, ठीक है, युवा थी वो, उसने काम करा। हम लोग भी जो जुड़े, हम लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के हम उसका जुड़े, तो थोड़ा हम लोग लेट थे। राजकुमार जी, कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा नहीं किया? मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल धोखा नहीं करा। आपको खुद पता है मैं 30-32 साल से कांग्रेस के साथ था जी। और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहा, केंद्रीय लेवल से। टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को लात मार? आप मेरे को टिकट के लिए ऑफर थी, मैंने खुद मना कर दी, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि कांग्रेस इस परिस्थिति में थी नहीं कि वो फाइट कर सके। दूसरी बात, मैंने कांग्रेस से वो करी थी एक उम्मीद, मैंने कहा था किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए, आजकल जो मेरे वो थी, मैंने कहा था कि पांचाल समाज को टिकट दी जाए, अब तक उसे अछूता रखा गया है विधानसभा से, उसको टिकट दी जाए, लेकिन उस पर भी उन्होंने विचार नहीं करा और एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जिसका खुद का वजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा अब इस पार्टी में सुनील कुमार जो कि कांग्रेस सेवा दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कोई वजूद नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है? क्योंकि सुनील कुमार को मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूँ, सुनील कुमार की कांग्रेस में एंट्री कराने वाला मैं हूँ। जिस समय में कांग्रेस सेवा दल का जिला चला रहा था, उस समय सुनील कुमार को मैंने कांग्रेस सेवा दल का जिले का सचिव बनाया था। उसकी कार्यशैली करने का ढंग देख के और ढंग देख के जब मैंने उनको देखा कि उनका ढंग बहुत गलत है, ठीक है, लोगों के प्रति भी सही उनका वो नहीं है, और जब वो मैंने कांग्रेस को उसको सेवा दल को छोड़ा मैंने, और जब उन्होंने ज्वाइन करा उनको, यहाँ तक मतलब जिला अध्यक्ष बनाने वाला, प्रदेश लेवल तक लाने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उनके अंदर वो गुण नहीं लगे। मतलब कांग्रेस सेवा दल के अंदर उन्होंने जाने के बाद में लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया, आपका कहने का मतलब ये है? मेरे ख्याल जोड़ा तो कुछ है ही नहीं, तोड़ने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका खुद का ही वजूद नहीं है, क्या तोड़ेंगे या क्या जोड़ेंगे, इसलिए हमने उनका विरोध भी नहीं करा। देखो, विरोध उसका करा जाता जो कुछ हो, और जो कुछ है ही नहीं उसका क्या विरोध करना। जरा सा भी दुख नहीं हुआ कि कांग्रेस को हमने धोखा दिया? हमने कांग्रेस को धोखा दिया नहीं, कांग्रेस ने आज तक हमको धोखा दिया है, कांग्रेस ने आज तक हमको धोखा दिया। हमने कांग्रेस के लिए हमेशा अपना तन मन धन हर चीज लगाई है, हमने कोशिश करी कि वो आगे बढ़े, आज भी हमारी कोशिश ये थी कि वो आगे बढ़े, जब नहीं है तो हमने कांग्रेस को स्विच कर दिया। नाउ आई एम जॉइन द आम आदमी पार्टी, ठीक है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अब और राहुल जी, आप तो जानते हैं मैं इस तरह का लीडर भी कह सकते हो आप, या व्यक्ति कह सकते हो, मैं जिसके साथ होता हूँ उसके साथ होता हूँ। जब मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ था तो उनके साथ था, मेरे को तो कोई क्या आश्वासन दिया है आम आदमी पार्टी ने आपको, क्या 2025 विधानसभा रोहतास नगर लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस उसका आम आदमी पार्टी का सिपाही बन के काम करूंगा, और जो भी मेरे को काम दिया जाएगा, क्षेत्र का कोई काम दिया जाएगा, ये काम करना है वो काम है, उस काम को करूंगा, मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है, पद का मैं चाहता हूँ मैं जिसके साथ हूँ वो आगे बढ़े। रोहतास नगर वार्ड की बात करें तो यहाँ पे भाजपा को हरा के आम आदमी पार्टी आई है, भाजपा का हारने के पीछे कारण क्या नजर आ रहा है? भाजपा ने आपने गलियां नहीं देखी, इतने बढ़िया गलियां टूटी पड़ी हैं, ये बुरा हाल था जो नागर साहब थे उन्होंने ये हालत कर रखी थी कि लोगों को चलना मुश्किल था, आप चल नहीं सकते, आप बैंक के पास चले जाओ, पूरे रोड में पूरे वार्ड में आप कहीं चले जाओ, पूरी गलियों का बहुत बुरा हाल था, उनको कह कह के थक आ गए। मैं यहाँ के कबूल नगर का RW प्रेसिडेंट, बजट नहीं मिला तो काम कहाँ से होता? सर मैं बता रहा हूँ, मैं कबूल नगर RW का प्रेसिडेंट हूँ, 2-3 बार तो मैंने लेटर दिए हैं RW को, उस पर उनका एक ही कहना था कि हम पे फंड नहीं है, हम पे फंड नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा जब आप पे फंड नहीं है तो हम लोगों के पास वोट नहीं है। भाई, आपको निगम परिषद बनने का अधिकार नहीं है अगर आप काम नहीं कर सकते, जनता की सेवा नहीं कर सकते, यही एक कारण रहा कि जिसकी वजह से भाजपा यहाँ पे हार गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ही कारण रहा, अगर आप विकास नहीं करोगे, काम नहीं करोगे लोगों का, तो आप जीत नहीं सकते। तो पूरी विधानसभा में केवल इसी वार्ड में काम नहीं हुआ, कहीं और भी काम, बजट तो कहीं भी नहीं आया ना? सर मैं बताता हूँ आपको, इसमें कई चीजें, बीजेपी ने बड़ी चलाके से पिछली बार अपने निगम पार्षदों की टिकटें काट के नए उम्मीदवार ले आई थी, सेम उसने पैटर्न इस बार भी अपनाया, लेकिन इस वाले वार्ड पे वो ये पैटर्न नहीं अपना पाई, तो जो एक उम्मीदवार का विरोध होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, बाकी तीनों सीटों पे यही हुआ। मिला करके अगर यहाँ पे भाजपा चेहरा बदल देती तो शायद भाजपा यहाँ पे मे भी उसके लिए मैं कन्फर्म नहीं करता, क्योंकि
हम लोग जिस तरह से लगे, और अब आने वाले समय में पूरा पूरी विधानसभा, रोहतास नगर विधानसभा आम आदमी पार्टी का गढ़ होगी, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आम आदमी पार्टी, मैं उसके विचारों से, विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। ईमानदार लोगों की पार्टी है। निगम में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी लेंटर के ऊपर पैसे नहीं जाएंगे। आने वाले समय की बात है, मैं अभी ये भी बताता हूँ, जिसने पिछले भी भ्रष्टाचार कर रखे है, गलत काम कर रखे है जिन अफसरों को, उनको भी हम मैं सचेत करना चाहता हूँ कि उनकी अब खैर नहीं है, समझ ले उनकी भी फाइलें खुलेंगी। अब कुल मिला के पुरानी फाइलें खोल करके, बिल्कुल बिल्कुल पुरानी फाइलें खुलेंगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। आज ही अपनी गलतियों को सुधारने की उसमें लग जाए, अदरवाइज उनकी खैर नहीं है। राजकुमार जी, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता, अब तक आपने सबको देखा, अब आम आदमी पार्टी की आपके निगम पार्षद आई है इस वार्ड में, आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी है, आप उसको बेहिचक बताइए, सीधा फोन करिए, बेचक बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा, ये हम लोगों का आपसे वादा है। तो ये थे हमारे बीच में राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने सारी बातों पर एक बहुत बढ़िया बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर यहाँ पे भी चेहरा बदल दिया होता तो शायद यहाँ पे भाजपा का क्या नाम है पार्षद होता। फिलहाल चेहरा नहीं बदला, आम आदमी पार्टी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी कितना कार्य करके दिखाएगी वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल वक्त है बदलाव का, बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे नजर भी आ रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा भरत।